नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करती हूँ आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है न्यू जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीएससी की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट से बहुत सारे अवेलेबल वैकेंसी है। अगर आप इन पे इंटरेस्टेड तो वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर आज हम बोलने वाले हूँ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एक फॉर्म भरने के लिए जो जो क्राइटेरिया होता है। सो इनसे पहले ये जान लीजिए, ये स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड पर है और ये क्लोजिंग डेट जो है 1/11/2018 के अंदर आप लोगों को फॉर्म भरना होगा। सो देख लीजिए, देखिए असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के ऊपर यहाँ पर टोटल नंबर वैकेंसी 2 है, एसटी लोगों के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल के ऊपर कुछ कोर्स कंप्लीट किए हैं तो तब डिग्री है तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा इनके साथ साथ आपका जॉब एक्सपीरियंस भी रहना ज़रूरी है और डिसेबिलिटी कंप्यूटर ऑपरेशन के ऊपर कुछ नॉलेज है तो एक्सपीरियंस है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्ट के लिए आपका एज जो है मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 30 के अंदर आपका एज होना ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1, OBST कैटेगरी पर सिलेक्ट होंगे। यहाँ पर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ ही आ चुका है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो तब आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अदर इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट है तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा एक्सपीरियंस जो होना है आपका मिनिमम 2 साल का, डिसेबिलिटी रहना है एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर ऑपरेशन के ऊपर और एज जो है मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 35 के अंदर एज है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगी, ये जो मैं बोल रही हूँ इनके डायरेक्ट नोटिस से ही देख के बोल रही हूँ, ये छोड़ के आपके मन में एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो डायरेक्टली इनका ऑफिशियल और इस साइट पर जाके इनका नोटिस पे भी देख सकते हैं। और वो लिंक मीन्स नोटिस का लिंक PDF लिंक करके इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, जहाँ से आप अपना क्वेरी जानकारी वहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। और कुछ मिस्टेक हो जाए तो अपना समझ के माफ़ कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट डिप्यूटी असिस्टेंट, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, एससी के लिए 1, ओबीसी 1, यूआरसी 5। ओके, एंड यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन आर्किटेक्चर ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अदरवाइज इंस्टीट्यूट से हैं तो इक्विवेलेंट कुछ कोर्स कंप्लीट किए हैं तो तब भी अभी यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मिनिमम 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा एज लिमिटेशन जो है मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 35 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल डिजाइन ऑफिसर, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, इलेक्ट्रिकल के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, सिविल कुछ कोर्स कंप्लीट किए हैं तो तब भी चलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, OBUR से सिलेक्ट होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, कोई कुछ कोर्स कंप्लीट किया है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस इन डिग्री। ओके, एंड मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर 45 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट रिफ्रिजरेटिंग इंजीनियरिंग, यहाँ पर BCG वैकेंसी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, UR से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड एक्सपीरियंस मीन्स 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना ज़रूरी है। ओके, और यहाँ पर भी एज लिमिटेशन जो है मैक्सिमम 35 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिप्यूटी डायरेक्टर, यहाँ पर सिविल के ऊपर कुछ वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, UR से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अदरवाइज इक्विवेलेंट कुछ है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़्यादा मांग रहे हैं, जैसे कि 5 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है जिनके ऊपर आपने कोर्स कम्प्लीट किए हैं। ओके, और डिसेबिलिटी आपको क्लास वर्क एक्सपीरियंस के अलावा जो वेलफेयर जो सारे की जानकारी है तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत जो कि एज लिमिटेशन भी वेरी करता है, जो कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 40 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट
एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, एससी लोगों के लिए 1। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अदरवाइज इक्विवेलेंट कुछ कोर्स कंप्लीट है तो कुछ इंस्टीट्यूट से तब भी आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा जिनके ऊपर अपने कोर्स कंप्लीट किए इंजीनियरिंग के वर्कशॉप के लिए टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इनके अलावा डिसेबिलिटी जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लीजिए है तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका एज जो है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 35 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ मेंस सेफ्टी। ओके, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मेरे ख्याल से ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल के ऊपर, 23 है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, ओबीसी 6, यूआर से 12। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अदरवाइज ऑफ द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट पास आउट किए हैं तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज पास इन सेशन ए अदरवाइज बी असिस्टेंट मेंबरशिप एग्जामिनेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैच ऑफ इंडियन तो तब अब यहाँ पर कोई एक है तो ऑप्शन करके दे दिया गया है। ये छोड़ के एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इनके जिनके ऊपर अपने कोर्स कंप्लीट किए हैं, और डिसेबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल ओके इंजीनियरिंग के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अदरवाइज इंस्टीट्यूट से। एंड यहाँ पर एज लिमिटेशन जो है मैक्सिमम 40 के अंदर आपका एज है तो तब आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ मेंस सेफ्टी, यहाँ पर देखिए टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी 44 है, अलग अलग पे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 18 एंड यूआर से 11। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री होना ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, मीनिंग इंजीनियरिंग के रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अदरवाइज इंस्टीट्यूट से, अदरवाइज पास आउट ऑप्शन करके दे दिया गया है, फर्स्ट क्लास मार्क्स है तो तब आप यहाँ पर ऑप्शन करके थर्ड सेकेंड ऑप्शन पर देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर इनके अलावा एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किए हैं तो मीनिंग इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा एज जो वेरी करता है जो कि 40 के अंदर आपका एज है तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं, एज भी बहुत बड़ा अफेक्ट करता है ठीक है। और एक बार रिपीटेशन करना चाहूँगी, ये जो बोल रही हूँ बेसिकली एक फॉर्म भरने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी, एक्सपीरियंस, क्या क्या क्राइटेरिया मांग रहे हैं, ये सारे के छोड़ के आपके मन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्वेरी है तो डायरेक्टली आप इनका जो ऑफिशियल नोटिस है वहाँ से भी जाके कलेक्ट कर सकते हैं। और उनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर PDF लिंक करके दे दिया जाएगा जहाँ से आप लोग इजीली अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। और कुछ मिस्टेक हो जाए तो अपना समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट ऑप्शन पर बताइएगा ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए ये भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अपर एज रिलैक्सेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि सभी के लिए जो सारे कैंडिडेट इस गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से है जो कि एससी एसटी लोगों के लिए 5 ईयर, ओबीसी लोगों के लिए 3 ईयर एंड 10 ईयर फॉर PWD एक सर्विसमैन अंदर सारे कैंडिडेट के लिए ओके। और कैंडिडेट सिलेक्शन होने का तरीका दोनों तरीके से होंगे, फर्स्टली तो आपको रिकमेंडेशन टेस्ट देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू देना, आपका जॉब आपके हाथ पे। और ये छोड़ के जो मैं बोल रही हूँ इनके ऑफिशियल साइट पे जाके भी आप जानकारी रख सकते हैं, वो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए upsconline.nic.in ओके। तो नेक्स्ट देखिए ए फॉर्म भरने के लिए सभी को 25 रुपीज़ देना ही होगा, और ये डेबिट क्रेडिट से भी नेट बैंकिंग कहीं से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो नियरेस्ट कहीं ब्रांच से भी मीन्स SBI ब्रांच से भी आप पेमेंट कर सकते हैं ठीक है। और जो लोग स्पेशल कैटेगरी पे आते हैं नो एप्लीकेशन फी रिक्वायर इन केस ऑफ SC ST PH ओमेन कैंडिडेट के लिए ओके। तो चलिए कहाँ से किस तरह से अप्लाई करना है इसके बाद दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को और भी थोड़ा टाइम देके पूरा के पूरा देख लीजिए।
ठीक है, और इससे पहले जान लीजिए ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, इनका क्लोजिंग डेट जो है 1/11/2018 के अंदर आप लोगों को ये फॉर्म भरना होगा। सो नेक्स्ट देखिए, ये जो लिंक है डायरेक्ट लिंक करके दे दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर, जहाँ पर आप लोग इस पेज तक आ सकते हैं जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पेज है। यहाँ पर आके आप जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो अलग अलग पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मैच करता है जिन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली आके यहाँ पर आके देखिए अप्लाई, और इस अप्लाई नाउ करके जो ऑप्शन है यहाँ पर आके क्लिक करना होगा। देखिए क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड एंड यहाँ पर जो इमेज दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पर सबमिट कर देना है। अदरवाइज़ अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो तब आपको यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले इनका जो होम पेज है वहाँ पर जाना होगा। देखिए होम पेज पे के ऊपर ही यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन दे दिया गया है, जहाँ पर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब हर वक्त वही रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड देके कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर आकर सिंपली क्लिक करना है, देन यहाँ पर देखिए नेम, फादर नेम, मादर नेम, जेंडर, इन डिटेल्स आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है जो है वो डालना होगा। देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन जो है यहाँ पर आके क्लिक करना है। इनसे पहले जान लीजिए, देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो आप डाल रहे हैं अच्छे से डालिएगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के तुरंत ही आपके पास SMS एंड मेल के थ्रू भेजा जाएगा आपका ईमेल आईडी एंड सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका पासवर्ड। जब आप दूसरे टाइम पे आप लॉगिन करना चाहेंगे वो नंबर बहुत ही ज़रूरत होता है। उसके बाद आप जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से जो मैच करता है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये रहा छोटा सा हेल्प हमारे इस चैनल के थ्रू आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो सच में आप लोगों को हेल्पफुल लगे और ये जो चैनल है लर्न एवरीवन आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इनके साथ साथ एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग भी आगे नहीं जा पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।